आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, घंटी को भी दबाइए ताकि आपको नई से नई कहानियाँ एवं गीत सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको अकबर और बीरबल के किस्से सुना रही हूँ। बीरबल से अकबर ने एक बार कहा कि अकबर ऐसा कुछ करो कि मुझे हंसी आ जाए तो मैं आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। तो अकबर को बीरबल ने हंसाने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के चुटकुले सुनाए, तरह तरह के गाने सुनाए, तरह तरह की उन्होंने कई तरह की कहानियाँ सुनाई, लेकिन अकबर तो थे कि हंसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बीरबल ने कहा क्या किया जाए, अकबर तो हंसी नहीं रहे हैं। अतः बीरबल अकबर के कानों के पास पहुंच गए और बड़े धीरे से कहने लगे, अगर आप नहीं हंसोगे तो मैं आपके कान में गुदगुदी करूंगा। जैसे बच्चे कहते हैं कि अगर नहीं हंसोगे तो मैं आपके कानों में गुदगुदी करूंगा। बच्चों जैसी हरकत देखकर बीरबल अपने को रोक न सके और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और बीरबल ने कहा, महाराज मैं जीत गया, मेरा इनाम कहाँ है, आप मेरा इनाम दीजिए। तो अकबर ने बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। ऐसे थे हमारे अकबर और बीरबल, दोनों में बहुत अधिक हंसी मजाक चलते रहते थे। कहानियाँ तो प्राचीन ही हैं, मैं तो सिर्फ उनको सुनाती हूँ, हो सकता है आपको भी पसंद आए। एक रोज बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और भेष बदल कर अकबर के दरबार में पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर महल में आवाज लगाने लगे। उन्होंने कुंजड़े का भेष लगा लिया, कुंजड़े का भेष बना लिया, तो अकबर भी बीरबल को नहीं पहचान सके। तो राजा अकबर ने उस कुंजड़े को बुलाया और उस कुंजड़े से कहा कि भैया सोया किस भाव है। तो बीरबल ने कहा, टके सिर। और अकबर ने कहा, चूका। तो बीरबल ने हंसकर कहा, जो सोया वो चूका, जो सोया वो चूका। तो बीरबल को अकबर ने पहचान लिया और अकबर को बहुत सारा इनाम दिया। अकबर और बीरबल की किस्से तो बहुत ही मशहूर हैं, मैं कभी कभी इनको सुनाने का प्रयास करती हूँ।